रामनाथ कोविंद बतौर राष्ट्रपति दूसरी बार अपने पैतृक गांव परौख पहुंच चुके हैं। उनके साथ पत्नी सविता कोविंद भी मौजूद हैं। राष्ट्रपति के कुछ देर बाद पीएम मोदी बिलखनऊ से सीधे परौख पहुंचे थे। फिलहाल पीएम व राष्ट्रपति पथरी देवी मंदिर में पूजन कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच पूजन करा रहे हैं। मंदिर के आसपास कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त हैं। इससे पहले सीएम योगी जी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ राष्ट्रपति व पीएम का स्वागत किया था। पथरी देवी के मंदिर में दर्शन के बाद वह अम्बेडकर भवन को लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ मिलन केंद्र भी पहुंचेंगे। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री परौख गांव पहुंचे तो वह चार सुरक्षा घेरों के बीच में रहे, जिसमें से सबसे पहला घेरा एसपीजी के कमांडो का रहा। दूसरे घेरे में एटीएस के जवान तैनात रहे। वहीं तीसरे घेरे में पीएसी की बटालियन मौजूद थी और चौथे घेरे में पुलिस के जवान मौजूद थे। वहीं अगर बात करें परौख गांव की तो यहाँ 6000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। इसके अलावा 2500 घरों की छतों से पुलिसकर्मी दूरबीन की मदद से आसपास की हर हलचल में निगरानी रख रहे थे। राष्ट्रपति से मिलने के लिए उनके करीबी कई दिनों से सूची बनाकर राष्ट्रपति भवन भेज रहे हैं। वहां से 227 लोगों के नाम आए। प्रशासन की ओर से इनको पास देने का काम शुरू कर दिया गया था। राष्ट्रपति से मिलने के लिए पिछली बार भी करीब 150 लोगों की सूची तय हुई थी। इसके बाद इन सबको प्रशासन ने पास जारी किए। बीते कई दिनों से राष्ट्रपति भवन को अलग अलग स्तर से सूची भेजी जा रही थी। गुरुवार दोपहर बाद वहां से दो सूची अनुमोदित होकर आई। इसमें एक सूची में 95 लोगों के नाम हैं, जबकि दूसरी सूची में 32 लोगों के नाम हैं। इसमें परिवार से ही 18 और 14 लोगों की दो सूची भेजी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।